हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार की दवा लेने का एडवाइस नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो बस मेडिकल नॉलेज के लिए है और इसका उपयोग आप अपने नॉलेज गेन करने के लिए कर सकते हैं। ये वीडियो ध्यान से और लास्ट तक देखें क्योंकि दवाई की आधी नॉलेज खतरनाक होती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं एक फार्मेसी स्टूडेंट हूँ और आज हम लोग बात करेंगे शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत जो कि इस चीज़ का आयुर्वेदिक में बहुत ही बड़ा रोल है, जो कि पहले के जो ऋषि मुनि थे इसी से बहुत कुछ का इलाज करते थे, जैसे डायबिटीज़ मधुमेह हो गया या फिर एनीमिया हो गया, फिर से गाउट हो गया, फिर से जो सेक्स प्रॉब्लम होता है जैसे टाइमिंग बहुत कम हो जाता है सेक्स का, उसका इलाज पहले इसको मतलब आयुर्वेदिक में किया जा रहा था। इस चीज़ का इसका उपयोग अभी जो है कामासूत्र में भी इसका वर्णन किया गया है, जो कि कामासूत्र पहले के एक सुश्रुत जो थे हमारे सुश्रुत के जब जमाने का एक कामासूत्र दिया गया था उसमें भी इसका वर्णन किया गया। और बात करें इसके आज के उपयोग की, जो कि आज हम इसको कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसका उपयोग तो सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसमें किया जा सकता है। जैसे कि अगर सेक्स टाइमिंग अगर कम हो गया है तो उसको इसके वजह से बढ़ाया जा सकता है, और शरीर की जो कमजोरी होती है उसको दूर किया जा सकता है। और इसके वजह से जो एनीमिया होती है, एनीमिया जो कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसको इसके वजह से ठीक किया जा सकता है। और इसके वजह से डायबिटीज़ आज के भी मतलब की कंडीशन में देखा जाए तो डायबिटीज़, फिर से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन कम हो जाता है उसकी वजह से इंसान की मतलब कि सेक्स पावर जो होती है वो कम हो जाती है, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और गाउट जो कि गाउट होता है उस गठिया, उसको भी ठीक किया जा सकता है इसके वजह से। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ऐसे तो कि कोई भी अच्छा से अच्छा चीज़ अगर ज़्यादा उपयोग किया जाए तो साइड इफ़ेक्ट उसका होता ही होता है, तो ऐसे ही इसका भी एक साइड इफ़ेक्ट है। अगर मतलब कि आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्लड में आयरन लेवल है जो सर्कुलेट होने लगेगा फ्री फॉर्म में, और दूसरा आपके ब्लड में आयरन लेवल का जो मात्रा है वो बढ़ जाएगा, और इसके वजह से आपको हीमोक्रोमाइटोसिस जो कि एक डिसऑर्डर है वो हो जाएगा। और इसके वजह से अगर हमारे शरीर में जो यूरिक एसिड होता है वो बढ़ जाता है, और इसके वजह से हमारी कोई जोड़ों में दर्द होता है उसको वो भी बढ़ सकता है, और जैसे मतलब गाउट है ये ऐसा कंडीशन हो सकता है। और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है उसका लेवल बढ़ जाएगा। और बात करें इसके मार्केट में, तो मार्केट में इसको शिलाजीत गोल्ड के नाम से बेचा जाता है, जो कि एक अच्छा क्वालिटी है, और इसका ख़राब क्वालिटी लेने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, और उसके वजह से कोई दूसरा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, इसलिए आप अच्छा क्वालिटी का लें। जैसे मैं किसी भी दवा का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि मतलब शिलाजीत गोल्ड जो कि है उसमें कुछ क्वांटिटी सब में तो मतलब कि 100% नहीं होती है, लेकिन कुछ अच्छी मतलब क्वांटिटी उसमें डाली गई है शिलाजीत की। शिलाजीत एक पर्वत में जो हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश हिमालय के पहाड़ी में जब पेड़ या फिर कोई पौधा जब टूट जाता है तो डिग्रेड होता है, कुछ सालों के बाद एक हज़ार साल या फिर 100 साल, 50 साल, 500 साल ऐसे बाद में वो शिलाजीत के रूप में बाहर आता है और उसको पहाड़ से लिया जाता है। और जो रोड पर बेचते हैं शिलाजीत, वो शिलाजीत असल में शिलाजीत नहीं होता है, वो कुछ दूसरा चीज़ होता है, इसलिए अच्छी क्वालिटी का शिलाजीत लें जी। धन्यवाद।